नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है योगेश सेफ्टी स्टडी। तो कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा पीपीईज यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी होता गया है क्यों पहना जाता है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा क्यों होती है। तो हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे और ये कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीईज, इट इज ए टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट विच प्रोटेक्ट द एम्प्लॉई फ्रॉम द डेंजर्स अकरिंग एट द वर्क प्लेस। तो आपके समझ में आ गया होगा, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसे हिंदी में स्वयं सुरक्षा उपकरण कहते हैं, यह एक प्रकार का इक्विपमेंट होता है जो वर्क प्लेस पर होने वाले खतरों से एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करता है यानी बचाता है। अब हम बात करेंगे कि यह कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ पीपीज। यह टाइप्स ऑफ पीपीज यानी यह दो प्रकार के होते हैं, नॉन रेस्पिरेटरी और नंबर दो रेस्पिरेटरी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन रेस्पिरेटरी की। तो यह कितने प्रकार के होते हैं, तो यह टोटल 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सेफ्टी हेलमेट, नंबर 2 हैंड प्रोटेक्शन, नंबर 3 आई प्रोटेक्शन, नंबर 4 फुट फ्रंट एंड लेग प्रोटेक्शन, नंबर 5 बॉडी प्रोटेक्शन और नंबर 6 ईयर प्रोटेक्शन। तो चलिए हम एक एक करके इन सबके बारे में डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 है हमारा सेफ्टी हेलमेट। सेफ्टी हेलमेट होता क्या है, इसका कहाँ यूज होता है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। इट इज यूज फॉर द सेफ्टी ऑफ द हेड। हार्ड हेड सेफ्टी हेलमेट इज यूज वेयर देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ हेड इंजुरी, फॉल प्रोटेक्शन, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ईटीसी। यानी कि आपके समझ में आ गया होगा। तो अब हम बताएंगे इसका प्रयोग सिर के सेफ्टी के लिए किया जाता है, जहां हेड इंजरी, फॉल प्रोटेक्शन, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आदि की संभावना होती है, वहां पे हम से हार्ड हेड सेफ्टी हेलमेट का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे कि यह कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ सेफ्टी हेलमेट यानी सेफ्टी हेलमेट दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 हार्ड हेड, नंबर 2 बंप कैप। तो हम इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। हार्ड कैप क्या होता है, इट इज यूज फॉर जनरल पर्पज, इट कम्स इन मैंडेटरी पीपीज एंड इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी एम्प्लॉई टू बी पुट ऑन द वर्क साइट इवन इफ ही इज वर्किंग ऑन एनी पोस्ट। तो अब इसके बारे में बात करेंगे, यानी कि इसका प्रयोग जनरल पर्पज में करते हैं, यह मैंडेटरी पीपीज में आता है और प्रत्येक एम्प्लॉय को वर्क साइट पर लगाना अनिवार्य होता है, चाहे वह किसी भी पोस्ट पर हो, चाहे वह जीएम हो, पीएम हो या फिर सुपरवाइजर हो या फोरमैन हो, सभी को हेलमेट लगाने की अनुमति होती है। तो नंबर 2 हो गया हमारा बंप कैप। तो बंप कैप या इट इज यूज वेयर देयर इज वेरी लिमिटेड स्पेस एंड वर्कर्स हैव प्रॉब्लम्स इन वर्किंग, बंप कैप इज given to workers after observing their location before going to work at such process। यानी कि इसका यूज वहां करते हैं जहां बहुत लिमिटेड स्पेस होता है और वर्कर्स को काम करने में समस्या होती है, ऐसे स्थानों पर काम करने के लिए बंप कैप का वर्कर्स को दिया जाता है और वहां पे पहले ऑब्जर्वेशन किया जाएगा कि वहां पे कोई खतरा है, क्या है कि या उसमें बंप कैप लगाने की जरूरत है या वैसा हमारा हार्ड कैप हेड लगाने की जरूरत है, ये हमें देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम वर्कर्स को हेलमेट देंगे। और जो ये हेलमेट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, यानी मेड बाय, एल्यूमिनियम का बना होता है, फाइबर ग्लास का बना होता है, पीवीसी एंड प्लास्टिक ईटीसी, यानी कि इन चीजों के बने हुए होते हैं। तो अगला है हमारा दोस्तों हैंड प्रोटेक्शन। इट इज यूज फॉर द सेफ्टी ऑफ द हैंड वेयर देयर इज ए रिस्क ऑफ इंजुरी टू द हैंड ड्यू टू फायर केमिकल शार्प ऑब्जेक्ट एंड इलेक्ट्रिकल वर्क ईटीसी एट द वर्क साइट ग्लव्स आर यूज्ड, वर्क इज नॉट अलाउड। समझ गए होंगे यानी कि इसका क्या मतलब होता है, इसका प्रयोग हाथ की सेफ्टी के लिए किया जाता है वर्क साइट पर, जहां भी फायर केमिकल शार्प ऑब्जेक्ट और इलेक्ट्रिकल वर्क आदि से हाथ को चोट पहुंचने का खतरा होता है वहां पर हम ग्लव्स का यूज करते हैं। इसे बिना पहने किसी भी वर्कर्स को काम करने की अनुमति नहीं होती है। हाँ, अगर कोई वर्कर्स काम के दौरान ग्लव्स का प्रयोग नहीं करता है तो उसे समझाने की कोशिश करें, अगर फिर भी यह नहीं मानता है तो उसे दंडित करें। टाइप्स ऑफ हैंड प्रोटेक्शन यानी कि कितने प्रकार के होते हैं, तो नंबर 1 रबर हैंड ग्लव्स, नंबर 2 कॉटन हैंड ग्लव्स, लेदर हैंड ग्लव्स, मेटल रेनफोर्समेंट हैंड ग्लव्स।
मेड बाई यानी कि किस चीज के बने हुए होते हैं? ये कपड़े के यानी कॉटन के बने हुए होते हैं, रबड़ के बने हुए होते हैं, लेदर और पीवीसी स्ट्रट्स के बने हुए होते हैं। तीन है हमारा आई एंड फेस प्रोटेक्शन। इट इज यूज वेयर देयर इज फुल डेंजर ऑफ डैमेज टू द आई एंड फेस, यानी कि इसका प्रयोग वहां करते हैं जहां आंख और चेहरे को नुकसान पहुंचने का खतरा पूरा खतरा रहता है। टाइप्स ऑफ आईज एंड फेस प्रोटेक्शन यानी ये कितने प्रकार के होते हैं? नंबर नंबर एक मोनोगूगल्स, नंबर दो फुल फेस शील्ड। तो मोनोगूगल्स के बारे में जानेंगे, मोनोगूगल्स है क्या चीज? इट इज यूज वेयर देयर इज डस्ट पार्टिकल्स एंड फम्स नॉर्मल्स केमिकल हैंडलिंग रेडिएशन ईटीसी इन द एयर विच प्रोवाइडेड कंप्लीट प्रोटेक्शन टू द आई। प्रयोग वहां किया जाता है जहां हवा में डस्ट पार्टिकल्स फम्स नॉर्मल्स केमिकल हैंडलिंग रेडिएशन ईटीसी में होता है जो आंख को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान करता है। इसीलिए ऐसे स्थानों पर जहां आंख के खतरे की संभावना हो उसे जानते हुए वर्कर्स को मोनोगूगल्स उपलब्ध कराए जाते हैं। फुल फेस शील्ड इट इज स्पेशली यूज्ड इन वेल्डिंग गैस कटिंग ग्राइंडिंग और हाई प्रेशर वाटर। इट प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू द फेस एज वेल एज द आईज। देखिए इसे खासकर वेल्डिंग गैस कटिंग ग्राइंडिंग या हाई प्रेशर वाटर में इसका प्रयोग करते हैं। यह चेहरे के साथ साथ आंख को भी सुरक्षा प्रदान करता है। नंबर चार अगला है हमारा नंबर चार यानी कि फुट एंड लेग प्रोटेक्शन। यह मैंडेटरी पीपीज में आता है। इसका प्रयोग कंपनी के अंदर अनिवार्य होता है। यह फॉलिंग मटेरियल रोलिंग ऑब्जेक्ट स्लिपिंग और ट्रिपिंग हजार्ड से बचने के लिए है। कंपनी के अंदर सभी एम्प्लॉय को इसे पहनना जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फुट प्रोटेक्शन। यह कितने प्रकार के होते हैं? तो यह दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक सेफ्टी शूज, नंबर दो गमबूट। अब हम बात करते हैं सेफ्टी शूज के बारे में। नंबर एक सेफ्टी शूज, सेफ्टी बूट को कंपनी के अंदर हर जगह प्रयोग करना अनिवार्य होता है। इसके बिना साइट विजिट या कंपनी के अंदर वर्क करने की अनुमति नहीं होती है। यह स्लिपिंग ट्रिपिंग या इलेक्ट्रिकल शॉक से अन्य खतरों से एम्प्लॉय को बचाता है। नंबर बी गमबूट, इसका प्रयोग रेनी सीजन यानी कि जहां बारिश बारिश का मौसम होता है, सीवर या जंगल झाड़ियों में काम करते वक्त किया जाता है। इसे अपर सूज के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पूरा जो पैर अंदर की तरफ पूरा आ जाता है तो यह ऊपर तक होता है घुटने के थोड़े नीचे तक। जहां पैर को कीचड़ से इंफेक्शन या जहरीले जंतु जैसे कि सांप काटने या बिच्छू के डंक मारने या जहरीले पौधे से पैरों को खरोंच आने की संभावना से वहां इसका प्रयोग करते हैं। यानी कि यह किसके बने हुए होते हैं? मेड बाई मेटल लेदर के बने हुए होते हैं, रबर एंड एसएस प्लेट के बने हुए होते हैं। अगला है हमारा बॉडी प्रोटेक्शन। यानी बॉडी बॉडी प्रोटेक्शन होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे हम। इसका प्रयोग पूरे शरीर की सेफ्टी के लिए किया जाता है। ऐसा कार्य जहां पूरे शरीर के इंजुरी यानी जलने की संभावना होती है वहां करते हैं। इसका प्रयोग खासकर हॉट वर्क जैसे वेल्डिंग गैस कटिंग या ग्राइंडिंग में करते हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉडी प्रोटेक्शन की। तो यह एप्रॉन हुड कवर ऑल जैकेट इस तरह के ईटीसी होते हैं। मेड बाई यानी किस चीज के बने हुए होते हैं? यह रबड़ के, लेदर कैनवस के, पीवीसी एवस्टस के, ईटीसी के बने हुए होते हैं। अगला है हमारा ईयर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन होता है क्या इसके बारे में बात करेंगे। ईयर प्रोटेक्शन इज डन वेयर देयर इज मोर नॉइस। इट इज यूज सो दैट देयर इज नो इफेक्ट ऑन द ईयर एंड द पर्सन कैन इड हेयरिंग लॉस एंड फिजिकोलॉजिकल स्ट्रेट। इट्स यूज डिपेंड्स ऑन द साउंड एट द वर्क प्लेस। तो इसके बारे में बात करेंगे कि होता क्या है। तो ईयर प्रोटेक्शन वहां पर करते हैं जहां नॉइज ज्यादा होता है। ध्यान से सुनना दोस्तों, नहीं तो बिल्कुल घंटा भी समझ में नहीं आएगा। पूरा स्किप मत करना बिल्कुल, अगर स्किप कर करके मेरी वीडियो को देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को पूरी तरीके अच्छी तरीके से समझो, पूरी तरीके से इसको ध्यान से सुनो, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। इसका प्रयोग इसलिए करते हैं कि काम पर किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े और व्यक्ति हेयरिंग लॉस और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस से बच सके। इसका प्रयोग कार्यस्थल पर साउंड के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि पहले वहां पे जाके हमें साउंड को चेक करना पड़ता है, उसके बाद ही हमें ईयर प्रोटेक्शन दिया जाता है कि यहाँ पे जरूरत है या नहीं है।
तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ईयर प्रोटेक्शन, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो यह दो प्रकार के होते हैं, ए ईयर प्लग, बी ईयर मफ। तो हम बात करते हैं ईयर प्लग की। तो ईयर प्लग होता क्या है, ईयर प्लग यूज वेयर द साउंड इज बिटवीन 80 dB, ध्यान से सुनना दोस्तों, 80 dB टू 90 dB इन द इन्वायरमेंट बिफोर गिविंग इट मेजर्स द साउंड विद ए साउंड लेवल मीटर एट द वर्क प्लेस एंड वेन द साउंड क्रोसेस द ऑटोक्रिटेरिया ईयर प्लग शुड बी प्रोवाइडेड देयर बिकम्स मंडेटरी। तो इसका मतलब होता है दोस्तों, इसका प्रयोग वहां करते हैं जहां 30 dB से 90 dB के बीच साउंड इन्वायरमेंटल में होता है, ध्यान से सुनना बिल्कुल। इसे देने से पहले कार्यस्थल पर साउंड को साउंड लेवल मीटर से मेजर्स किया जाता है, यानी चेक किया जाता है, और जब साउंड क्राइटेरिया को क्रॉस कर जाता है, यानी कि उस साउंड हम चेक करते हैं उससे ऊपर चला जाता है, तो ऐसे में वहां पर ईयर प्लग उपलब्ध करना अनिवार्य होता है। अगला है हमारा दोस्तों ईयर मफ, इट इज यूज वेयर मोर द 90 dB साउंड कम आउट एंड फॉलो द सेम प्रोसीजर विच इज मेंशन इन द ईयर प्लग। तो ध्यान से सुनना, इसका प्रयोग वहां करते हैं जहां 90 dB से ज्यादा साउंड होता है, यानी कि इसका प्रयोग, यानी ईयर मफ का प्रयोग हम वहां करेंगे जहां 90 dB से ज्यादा साउंड होता है, और ईयर प्लग का यूज हम वहां करेंगे जहां पे 20 dB से 90 dB के बीच में होता है, यानी कि 90 dB के बीच में। तो ईयर प्लग का यूज, ईयर प्लग दिया जाएगा, और 90 dB के बाद ज्यादा साउंड निकलता है तो वहां पे हमें ईयर मफ दिया जाता है। तो अब और आगे सुनो, और उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, यानी कि कौन से प्रोसीजर को फॉलो करते हैं जो हमने ईयर प्लग में प्रोसीजर किया था, यानी साउंड मीटर लेवल से हम चेक करेंगे उसके बाद ही हम ईयर मुफ देंगे। तो आपके समझ में आ गया होगा कि ईयर प्लग और ईयर मुफ होता क्या है। अच्छा दोस्तों, आज के लिए ही इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के तौर पर मिले। धन्यवाद दोस्तों, बस इतना ही, आगे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। आप लोगों से प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, जो मेरे नए चैनल पे नए जुड़े हुए लोग हैं, प्लीज। थैंक यू सो मच, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।